अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां रोज़ा है, मतलब 12 रोज़े हो गए हैं पूरे। अभी फ़िलहाल मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे बहुत सारा फैब्रिक लाना है अलग अलग कपड़ों का। सारे कपड़े इनकम्प्लीट पड़े हैं, तो जैसे इसकी पैंट्स आनी है, किसी की शलवार का कपड़ा आना है, किसी का इनर का कपड़ा आना है, तो मैं अभी वही सब लेने जा रही हूँ। क्योंकि मतलब सिलवाने हैं ईद से पहले पहले सारे, कुछ ईद के हैं, कुछ शादी के हैं, लहंगे का भी कुछ सामान लेके आना है। अभी चलते हैं मार्केट एंड मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आना है। मालवा नगर ही जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही क्योंकि रोज़ा भी है, इससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकती। तो आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे चल रहे होंगे एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। नमाज़ पढ़ के निकलना है बस मुझे। ये है, ये भी टिशू है, ये भी टिशू है। ये इसकी बनी है मेरी फ्रॉक एंड इसका बनना है मेरा लहंगा और इसी में से दुपट्टा। इसके लिए लेके आनी है इनर। ये पता नहीं वीडियो में क्या सफ़ेद सा दिखता है, बहुत ही प्यारा लाइलाक कलर है। इसका कलर ही चेंज हो जा रहा है बार बार वीडियो में। एंड इसका इनर का फैब्रिक आएगा, वाइन पैंट्स का फैब्रिक आएगा, ये तो मेरे ईद का सूट है, दुपट्टा है मतलब उसका। और ये है चोली और मुझे लेस वगैरह भी लानी है। तो हमें नाप रहे हैं अभी के दुपट्टे के लिए कितना फैब्रिक मंगाना है, बाकी लहंगे के लिए मतलब स्कर्ट बनवाऊंगी। चोली कैसी बनेगी मैं तो भूल भी गई। इस पर कुछ लगेगा? कुछ तो लगेगा, अभी मैंने कुछ भी देखा नहीं है क्या करवाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा यार। नमाज पढ़ने इस कलर का कुछ दुपट्टे पे इस कलर का कुछ मिले। एक तो मेरे सारे कपड़े इतने अलग कलर के है ना, मतलब डाई ही करवाने पड़ते हैं और फिर वो फेड हो जाते हैं इन दी एंड। बहुत ही गलत शेड्स लेके आती हूँ मैं, मतलब बेसिक शेड्स नहीं होते, कैसी लग रही हूँ मैं। काम करवा ले बेटा, पकड़ लेते, कैंची नहीं है, पकड़ा क्यों दिया फिर। ऐसे कुछ हाल हुए पड़े हैं मेरे कमरे में, मतलब मेरे बेड पे बैठने की भी जगह नहीं है बिकॉज वो कैबिनेट का काम हो रहा है। फाइनली मामू आ गए उसको बनाने के लिए एंड मैंने बस कपड़े निकाले बिकॉज चेंज करने वहां पे जाने के लिए। एंड ये माइका की कटिंग वगैरह हो रही है, माइका शीट की, और मैं यहाँ बोल रही थी शायद मैं तैयार हूँ। निकलते निकलते ये पार्सल और आ गया, तो देखते हैं इसमें क्या है। खैर मुझे नहीं पता क्या है। तो इसमें है एक जेड रोलर जो हमेशा से मेरे को चाहिए था, फाइनली आ गया। नेक्स्ट दिस इज वाइटनिंग क्रीम एंड बहुत प्यारा लग रहा है ये, इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, मजा आ गया इसको देख के। इसमें एक फेस वॉश और गोशुआ भी है एंड फाइनली आ गया। रास्ते में मुझे ध्यान आया कि चलो शबाना और टेडू से मिल गया, रमजान हो गए और एक भी घर में शबाना से मिल पाई, वो थी नहीं यहाँ पे। तो मैं फिर सोचा रास्ते में शबाना घर पड़ता है, मिलकर चल जाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि वो मैडम तो आती नहीं है घर, क्योंकि तो पैरों में दर्द होता है ऊपर चढ़ने में। तो घर पे ही है, मतलब मुझे अलग से मैसेज करके बोलता है कि शबाना ने दिख रही, तानिया ने दिख रही, तानिया मुझे ही नहीं दिख रही, तो मैं ब्लॉग में क्या दिखाऊं। इसको मैं शाम को लेके जाऊंगी थोड़ी देर के लिए घर। हाँ, तो हाथ ऐसे रखेगी तो काटेगी ना वो। अंगूठी है, देखो कौन मिलने आया हमसे। इफ्फू बाजी। अबे यार अब तो बाजी बोल रहा हूँ मैं तो। काफी सनलाइट पड़ रही है, एकदम नेचुरल। इफ्फू बाजी से मिले आप? उसको अभी बस भागने की लगी, यहाँ बैठेगी ना। स्किन वहाँ बाल अच्छे हो गए होंगे ना, पर हल्की सी टैनिंग हो जाती है ना वहाँ से आके। क्या बदतमीज, आ भी नहीं रही हाथ में अपनी शक्ल ठीक कर। ये रही तुम्हारी सबकी तान्या, ये मुझे ही बहुत दिन में मिली वैसे, टैन हो गई हो। अभी दिखा रही थी ना कितनी अच्छी स्किन हो गई थी पहाड़ों में। तो ये एक्चुअली ट्रिप पे गई थी इसलिए नहीं दिख रही थी, और मैं व्लॉग बना भी नहीं रही जो इतना दिखेगी, हम खुद ही नहीं मिले हैं।
25 दिन से शायद। तो फिलहाल मैं तो जा रही हूँ मार्केट, अभी रहेगी मियाओं के साथ, माओं के साथ। अच्छा लग रहा है मुझे। पिछले साल तो रमजान में इसकी टांग टूट गई थी। पिछले साल तो ये चल नहीं पा रही थी रमजान में। तो तेरा ईद का सूट बन गया? बेहोश मर जाऊँ कहीं मैं इतना सारा विटामिन डी एब्जॉर्ब करके, कंज्यूम करके, नॉट एब्जॉर्ब। एक तो दुपट्टा नहीं रुकता सर, कील से ठोकना पड़ेगा सबका। बहुत सारा सामान लेना है मुझे, मुझे याद नहीं है मुझे क्या क्या लेना है। इस टाइम तो भाई रोड एकदम खाली होता है, और मुझे लगता है 15-20 दिन बाद बिल्कुल फाइनली हम आ गए जहाँ से हमें कपड़े लेने हैं। तो ये फैब्रिक मार्केट है मालवीय नगर की, यहाँ पे हर तरीके का फैब्रिक मिलता है। तो मुझे कुछ लाइनिंग्स लेनी थी, कॉटन पैंट्स के लिए कपड़ा लेना था, तो मैंने भैया को सारे अपने कपड़े दिखा दिए कि इस इसका इनर लेना है, पैंट्स का कपड़ा लेना है और ये सब। तो कुछ कपड़े मुझे मिल गए, कुछ नहीं मिले, बहुत अलग अलग फैब्रिक मिल रहा था वहां पे। नेक्स्ट मिस वहीं से साइड वाली शॉप पे गई एंड वहां पे इतनी प्रिटी प्रिटी लेस थी जो मुझे अपने लहंगे और उसकी चोली और दुपट्टे के लिए चाहिए था। और ये प्यारे से टेसल्स, ये तो मैंने ले लिए, बिल्कुल मैचिंग मिल गए मुझे। खाली टेसल्स कॉस्ट मी 200 रुपीज, मतलब ये चार छोटी छोटी चीजें इतनी महंगी मिलती है। चांदनी चौक में कॉस्ट सब बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, बहुत दूर पड़ता है मुझे। इसमें ये फ्लावर्स वाला डिजाइन है, सेम बहुत है डिजाइन, काफी बढ़िया। ये कितने रुपए मीटर है? ये ज्यादा है, ये 160 है। ये 100 है। ये ही स्लीव्स में लगती है ना, वो पाकिस्तानी सूट में, स्लीव्स में, पैंट्स में और नीचे घेरे में। ये तो आराम से लगा सकते हैं स्लीव्स में। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा के आधा सामान मिल गया, आधा अभी भी बचा है। फैब्रिक ही नहीं मिल रहा, सब कुछ ड्राई कराना पड़ेगा। बोल रहे थे ना कलर ही ऐसा हमारे कपड़े का। काफी सारी लेसेस और कपड़े लेने के बाद मैं लेगिंग्स वगैरह ढूंढ रही थी। ये फ्रॉक का कलर ही ऐसा ना, आप देखना, ये मिल ही नहीं रहा था। बट इस शॉप पे मेरे को एक लेगिंग मिल गई लायरा वगैरह की, और तीन दीदियां इतनी अजीब अजीब सी खड़ी है मेरे सामने, पता ही कहां देखे। जो यहाँ पे नहीं मिला है वो लेंगे अब दानिश की दुकान से, सेवियर है वो। बस ये कि वहाँ पे भी वो फैब्रिक नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। एंड भाई मेरे कपड़े महंगे पड़ रहे हैं मेरे को, जरा जरा लेस ये वो करते करते 1500-2000 का सिर्फ इतना सा सामान आया। ओहो, उस कार में भी सिर्फ 1-1.5 घंटा बचा है, और देखना है घर जाके कितना काम हुआ है। भाई आज सुबह इतनी टेंशन हो गई मुझे, क्योंकि मेरा घर फैला पड़ा है, मतलब मेरा रूम फैला पड़ा है। मैंने कहा अगर आज मामू नहीं आया ना, मैंने कूद जाना ऊपर से, क्योंकि मतलब आधे रमज़ान हो गए और काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं, और जितना फैला हुआ ना उतना सर दर्द हो रहा है उस फैलावे को देख देख के। चाहे मेरे काम घूम लिए तब जाके मैं चैन की सुकून की सांस लेगी, क्योंकि इसके बाद इफ्तार स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे इफ्तार हैं। काफ़ी बोल चुकी हूँ मैं, तो अभी काम पूरा हुआ नहीं है, आधा काम बचा है, उसके लिए मैं दानिश की शॉप पे आऊंगी। भाई इसने इतनी बड़ी दुकान कर लिया ना, मजा ही आ गया। मैं तो पहली बार आई थी आज, इतनी छोटी सी शॉप थी जहाँ से हमेशा मैं फैब्रिक लेकर अपने कपड़े बनवाती थी। तो ये लेस ये फ्रॉक में मैच हुई थी, बड़ी डाई नहीं हो सकती थी। एंड उसके बाद मैं वहां से भी चाची घर गई, बिल्कुल डेड हो चुकी हूँ। मैं जरा सा कुछ लेने गई थी और फुल डेड, एकदम डेड थक गई मैं रोड में चल चल के। एंड चाचा के घर पे भी काम हो रहा था आज फिर से, सिर्फ लोचन लेने गई थी वहां पे, और घर आके भी मुझे कोई काम पकड़ा दिया। हाँ चाची की वो जहाँ मशीन रखते हैं वहाँ पे वो लगा दी ना शीशा। अल्लाह आज लग रही है थकान हो गई बहुत बढ़िया से। मेरे से फालतू बोलेगा मैं उसका गला काट दूंगी। यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से कटेगा। बहुत तेज हो रहा है, मेरे से ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बोलते हैं ना KGF 3 में आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। तो थोड़ा सा है मेरा पारा हाई हो जाता है, बीपी शूट कर जाता है गुस्से में, बस वही नहीं करना है किसी को भी। तो मैं दिखती बहुत छोटी सी हूँ, प्यारी सी हूँ, अच्छी सी हूँ, लेकिन बहुत बड़ी चुड़ैल हूँ मैं, एज इन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को। कंट्रोल
तो बस अभी झाड़ू लगा के और उतर जाती नीचे, क्योंकि मुझे सिटी वॉक जाने में 10 मिनट लगेंगे। मैं मैं पैदल पैदल एंड बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया। फाइनली तैयार हो गई है, अभी ये फिल्म हट जाएगी इस पे से, तो ये बहुत ही सुंदर सी हो गया। अब ये देखो, ये पुरानी माइका है तो ये स्क्रैचेस आ गए हैं थोड़े से, ये नहीं है तो जैसे शाइन कर रही है यहाँ से। अभी ये पल्ले लगेंगे यहाँ पे कि अलग वीडियो आ जाएगी, एक थोड़ी सी लेट आएगी वो। मैं पहुंच रही हूँ बस डीएनए की, ताकि टाइम हो गया था और फिर थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली नेचुरल से सबसे पहले, एंड उसके बाद मैं वेट करी थी सुभाष्मिता और बाकी सारे दोस्तों का, तो थोड़ी बहुत सेल्फी भी ले ली। एंड फिर जब डीएनए सिटी वॉक जाना था, बीच में पड़ गया कीको मिलानो का स्टोर एज यू कैन सी, और वहां से मुझे याद आया कि मेरे को एक अपनी बीबी क्रीम लेनी है, तो मैं तो फटाफट गई और खरीद ली 2-3 प्रोडक्ट्स। और वहीं मैंने देखा कि फॉरएवर 21 का शोरूम गायब हो गया है बिकॉज़ टीरा का शोरूम। अब हम जा रहे हैं पॉश। हेलो, यहाँ कुछ भूख कर लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं जो इनसे हो ही नहीं। जूते, कपड़े, यार मत बोल, फोन के कवर इसके तीसरा ही है, ये एक टूट गया, दो ही है अब तो, इससे पैकेट लेनी चाहिए ना, तुझसे मांग रहा है। देखो उसका ना फोन की पार्टी हम आज तक नहीं लेते, क्योंकि इतना रो रो के तो ये खुद फोन लेता है। आखिरी फोन इसको ना जलील कर करके दिलवाया था हमने, ये चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जलील करके बोला कोई दिक्कत नहीं, इतनी बेरोजगार भी नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये नहीं आज के बिल्कुल ले लीजिए ना, क्या कटलरी, थैंक यू। हम खा सकते हैं ये? हमने ऑर्डर किया था व्हाइट सॉस पेने पास्ता, चिकन स्टेक, बहुत ही टेस्टी एक क्रेप एंड सुपर टेस्टी बेक न्यूयॉर्क चीज केक स्लाइस। 2-4 फोटो ली बिकॉज मैं डेट है, थोड़ा अच्छा खाना खाया और थोड़ी फोटोज ली और दिन बन गया, मतलब शाम बन गई। नीचे से है खुला हुआ रास्ता, हमने खा लिया। आज मैं तो जिम में सो गया सुभाष्मिता के चक्कर में, सुबह नहीं आज जिम नहीं जाना। झूठ क्या होता है, देर से चले, तुमने याद दिलाया था बट ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। मैंने 9 बजे स्पेसिफिकली पूछा था इस लड़की से जिम जाएगी या नहीं जाएगी। नो आज इसने बोला कि अब मिले हो तो मिल लेते, बल्कि तुम सबके चक्कर में मेरी क्लास छूटी है। और दो चीज केक भी खाए फिर डिलीट कर लिए तुमने। बस यही फायदा, पर हम नीचे कमेंट कर देंगे, डिलीट कर दूंगी, सस्पेंड कर देंगे, ऐसा मत। पास रहने कितना फायदा ना, अकेले नहीं घर जाना पड़ा। मेडिकेशन अच्छा था, दो चीज केक होने के बाद भी एक दिन एक बाइट खा लेते। थैंक यू यार सच बताने के लिए। अभी दिखाती हूँ इसमें क्या है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो फाइनली घर आ गई हूँ एंड बस कीको मिलानो से मैं जो लाई हूँ दिखा देती हूँ बिकॉज आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आप कौन सा फाउंडेशन लगाती हो, पर मैं फाउंडेशन लगाती ही नहीं हूँ। 2-2.5 साल हो गए मैंने कीको से कुछ बीबी क्रीम्स खरीदी थी तो वही यूज हो रही थी एंड फाइनली वो निचुड़ चुकी है, मतलब उससे बाहर अब एक बूंद भी नहीं आ सकती काट पीट के भी। एंड मैं अभी कीको, मैं सिटी वॉक गई थी डीएलएफ, सो डीएलएफ में कीको मिलानो का शोरूम है एंड सेल कुछ नहीं लगी है। ऊपर से उन लोगों ने बोला है 3 महीने में उनका स्टॉक तीन महीने लगेंगे रीस्टॉक होने में, और सुभाष्मिता मैसेज आया घर पहुंच गई तो उन्होंने बोले कि 3 महीने लगेंगे, तब तक जो स्टोर में अवेलेबल है ना सिर्फ वही मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। एली प्रोटेक्शन बीबी क्रीम है विथ SPF 30 एंड इट्स इन द शेड 02 पोर्सलीन, सब पिंक व्हाइट है पर पिंक टोन में, जो थोड़ा येलो टोन होता है उनके लिए 03 है। सो अगर आप लोगों को मिले ऑनलाइन मिले तो अपने शेड के अकॉर्डिंग मंगा लेना एंड इसको लगा के फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर एक और चीज ले आई मैं इसके साथ साथ जो मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, बाकी दिस इज फुल कवरेज कंसीलर करेक्टर एंड दिस इज इन द शेड 03, छोटू सा है एंड क्राइलॉन का भी मेरे ख्याल से इतना ही आता है, वो भी थोड़ा महंगा ही है एंड दिस इज द कंसीलर और ये फुल कवरेज है और स्टेप बहुत लॉन्ग है, मैं पूछ के आई हूँ, बाकी यूज करेंगे तो पता चलेगा। सी क्या हालत हो रखी है, मतलब बैठने की जगह तो छोड़ो कुछ जगह ही नहीं है कमरे में। बस अब मेरी टेबल कंप्लीट हो गई है, फुल्ली कंप्लीट हो गई, अब जाके मैंने इसमें सामान रखना है तो अब हम वो करेंगे। और शायद लंबा हो रहा है व्लॉग बट स्टिल
अभी भी 10% मेरी ये टेबल बची है, इसमें हैंडल्स नहीं लगे हैं। इधर ज्वेलरी वाला शेल्फ एक और डलवा था बीच में, मतलब एक और स्लैब डलनी थी वो नहीं लगा, पर इतना हो गया कि मैं सामान अब इसमें सजा सकती हूँ। ऊपर से भी हो गई है तो बस बाकी सारे काम फिर भी रह गए। यहाँ ड्रिल मशीन से काम होना था, यहाँ पे वो लगने हैं, पता नहीं कब लगेंगे। अब तो अब मैंने ये शीट हटानी थी, प्लास्टिक शीट जो लगी है माइका पे, तो उसे हटाने के चक्कर में मेरे पहले तो लगी उंगली में, मेरी उंगलियां दब गई। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है, उसको निकालना है क्योंकि वो फंस गई है मतलब। और उसके बाद टूटा मेरा सर और मेरा गाल भी छिला साथ साथ सही। एक्चुअली गलती से मुझसे ही वो पार्टीशन पीछे गिर गया था एंड उसको हटाने के चक्कर में लग गई। फिर मैं बैठ गई कि चलो हटा ही देते सारी पन्नियां इसके ऊपर से, और बहुत देर लगी। हेलो टिकी, सो यप आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। हो गई है इसकी सफाई, जो इस पर फिल्म चढ़ी हुई थी प्लास्टिक सी वो हटा ली मैंने, और अपना सर भी फुड़वा लिया। यहाँ भी लगी थी मैं बहुत तेज, एंड इस वाली उंगली में लगी है, कल तक पता चलेगा अगर नाखून नीला हो गया तो। खैर दर्द करी है इसको होने से, तो खैर अब बस ईशा की नमाज पढ़नी है एंड मेरे को इसमें रखनी अपनी सैंडल्स, तो मैं दिखाती हूँ। खैर ज़्यादा जगह नहीं है, फिर लग गई कोने में। वो मेरी बहन सही बोलती है कि मैं यहाँ चल रही हूँ ना, और पहाड़ अगर 4 किलोमीटर दूर है वो मुझे आके लग जाएगा, इतनी लगती है। तो यहाँ आएगा मेरा लैपटॉप्स, तो मैंने ये हटवाया ही नहीं, पहले भी लैपटॉप की ही जगह थी। यहाँ मैंने रखने बैग्स, और नीचे वाले पार्टीशन में पार्ट में वट एवर इस वाली स्पेस में रखने हैं हील्स, और जितनी हील्स और चप्पल और जूते मेरे पास हैं मुझे नहीं लगता इसमें आएंगे, बट आई विल ट्राई। वो बाकी सब आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना जिसमें मैं ये पूरा सेटअप करूँगी। दुपट्टा इसलिए आता है वहाँ शीशा, तो ये वहाँ लाइट लगेगी, मेरा लगेगा, यहाँ पे सामान आएगा, ये सामान एंड इस वाली में भी बीच में पार्ट स्लैब लगेगी, और नीचे आएंगी चूड़ियाँ, ऊपर आएगा ज्वेलरी। तो ये सब करना है, बहुत टाइम लगेगा अभी भी मुझे, तो मैं करने बैठती हूँ। या दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देख लो मैं रोज़ ब्लॉग बना रही हूँ हिम्मत करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अच्छे से रमज़ान रखो, बहुत सारी दुआ करो एंड बाय।